जिस मुल्क में मुसलमान रहते हैं उसी मुल्क की गवर्नमेंट को उनके प्रॉब्लम्स को हल करने की जिम्मेदारी है और होनी चाहिए। मैं हिंदुस्तान के हवाले से बताना चाहूंगा, आपने खुद भी कहा कि वहाँ लोग कहते हैं कि बेटर कंडीशन में इस वजह से अपने आप को फील करते हैं कि चूंकि वो सेकुलर गवर्नमेंट है। यही मेरा भी प्रीचिंग है लोगों से, मुसलमानों से, कि अपनी अपनी हुकूमतों को कोशिश करें कि वो रिलीजियस बेसिस की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो सेकुलर बना दिया जाए और सेकुलर बेसिस पे हर आदमी की जो उसके हुकूक हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो सबके बराबर हों, रिलीजन के बेसिस पे उनको लेकिन वो जो कुछ लॉज पाकिस्तान में बनाए हुए जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं गैर मुस्लिम्स के अगेंस्ट सो मेनी वेज, अब तो वो खत्म कर रहे हैं। ब्लास्फेमी का जो लॉ था ये सारे लॉज जेलों में डाल देते थे लोगों को, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि खत्म कर रहे हैं वो लॉज, ये जो नई गवर्नमेंट आई है खत्म। आपको पता है उस लॉ के बारे में जिसमें अगर कोई हमारे रिलीजन के अगेंस्ट बोलता था तो एक लॉ के मुताबिक पाकिस्तान को थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से, उनको इस्लामिक रिपब्लिक वगैरह इसको जो है वो चेंज करके अगर उसको सेकुलर जमहूरियत कर दें। हाँ, और जाहिर है पाकिस्तान में मुसलमानी से ज्यादा तो कोई आ नहीं सकेगा, हमेशा हाँ, मुसलमानी रहेंगे मेजोरिटी में। हाँ, तो उनकी हुकूमत रहेगी लेकिन वो जो उनके जो क्रिश्चियंस हैं और छोटे मोटे लोग हैं उन सबको बराबर की राइट्स मिलने चाहिए। हाँ, और बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में गुस्से में आके तकलीफें करते फिरें कि हमारे मुसलमान भाई को इंडिया में सेफ ट्रीट नहीं करें, इंडियन लोगों को, इंडियन हिंदुओं को कहना चाहिए कि भाई तुम लोग यहाँ मुसलमानों को, ये भी हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, दीज आर इंडियन मुस्लिम्स, श्योर देयर रिलीजन इज डिफरेंट बट यू गाइस आर इंडियंस, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन गवर्नमेंट की होनी चाहिए, हमसे तो अपने नहीं संभलते, हमारे तालिबान दूसरों को मार रहे हैं, शिया सुन्नी एक दूसरे को मार रहे हैं, जॉब्स में हमारे को से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चलो सारे मुसलमान हैं तो उन्होंने आपस में क्या डिस्क्रिमिनेट करना है, लेकिन जो पावरफुल है उसको जॉब मिल जाती है, जिसकी सिफारिश नहीं होती उसको नहीं जॉब मिलती, तो ये जो चीज़ें ना ये मेरा ख्याल है ख़त्म होनी चाहिए, जो है ना कि वही बात के अभी तक हम लोग आप इंडिया में जो मुसलमान रह गए उनका दर्द लेके बैठे हैं। और अच्छा एक और मज़े की बात उसने की अपने एक शो में ज़ाहिर हामिद ने कहा कि इंडिया में मुसलमान जो हैं वो हिंदू प्रटेंड करके रहते हैं या सिख प्रटेंड करके, वो प्रटेंड करते हैं कि वो हिंदू या सिख हैं लेकिन होते मुसलमान हैं, इज दैट ट्रू कि आप लोग ये भी छुपाते हैं कि आप मुसलमान हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे याद है कि जब भी कभी कम्युनल राइट्स होते थे इंडिया में, और आई एम प्रीटी श्योर अभी भी होते हैं वहाँ पर, लोगों ने सुना हो गुजरात में पिछले 2-3-4 साल पहले हुए थे राइट्स, उससे पहले ज्यादा मशहूर राइट्स बॉम्बे में हुए थे 1992 में, और मेरे जमाने में भी 70s और 80s में वहाँ कम्युनल राइट्स होते थे। तो उस जमाने में जाहिर है कि कोई बेचारा मुसलमान फंस गया हिंदुओं के हाथ में तो वो अपने आप को कह कर निकलता था कि जी मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो ये तो बहुत नेचुरल चीज है और ये और जगहों पे भी होता है, और कुरान शरीफ तक में लिखा हुआ है कि भाई अगर तुम्हारी जान पे बन जाए तुम अपने आप को कुछ भी कहकर निकल जाओ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो चीज़ कोई ऐसे कॉमन नहीं है कि हम लोग हमेशा अपने आप को छुपाते हैं। मुसलमान बहुत धाकड़ तरीके से रहते हैं इंडिया में, हर जगह मुसलमानों का एक असर रसूख है, और बॉम्बे वगैरह में जो मशहूर इलाके हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, मैं तो यूपी का हूँ, मैं जानता हूँ कि हर जगह मुसलमानों की पोजीशन है और कोई डर उनको नहीं है। पाकिस्तान में देखो ना, पाकिस्तान वापस जाने मैंने विजिट करने 2 साल से गई नहीं, लेकिन मैं डर के मारे जा नहीं सकती, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। इंडिया इससे तो ज्यादा सेफ है, इंडिया में जाओ तो मेरे नहीं ख्याल के बॉम्ब ब्लास्ट होने का खतरा होता है हर वक्त, इंडिया में तो रोज बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं, तो इससे शेम एंड आई एम अशेम्ड ऑफ दैट। लेकिन ये कहना कि भाई वहाँ पे इंडियन मुसलमानों की हालत बुरी है, हमारी बहुत सही है, पहले अपनी हालत तो हम लोग देख लें ना, मुझे ये है कि हमारी अपनी इकोनॉमी खराब है, हमारी अपनी हालत खराब है, लेकिन बस वही जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है ना उसकी वजह से ये सारे करते हैं। अच्छा इंडियंस को आप, इंडियन गवर्नमेंट तो जो करती है, लेकिन अच्छा मैं आपको बताऊँ जैसे मुसलमान बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना, ये ब्लड तो एक ही है ना, इसी तरह इंडियंस जो हिंदू है ना कुछ वो भी इमोशनल हो जाते हैं, हिंदू तालिबान भी है ना, जैसे शिवसेना वगैरह है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और ये अपने महासभा है, ये उनके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया कि उसमें चूंकि इंडिया गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है,
तो वो उसको उनके जो लॉ में प्रोटेक्शन मिल जाता है, सबको बदमाशी कर लेते हैं इस कसम ग्रुप, लेकिन उनकी हमेशा पकड़ हो जाती है, और जो उनके जो जुडिशरी है उसको फिर अगर केसेस होते हैं तो उनको सजा मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मुझे पता है कि इंडिया में चीजें परफेक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ परफेक्ट है। पहले हम अपने आप को तो देखें। अच्छा, कादियानियों को जिस तरह हमारे मुल्क में ट्रीट करते हैं, आप लोगों से तो बेहतर ही ट्रीट करते होंगे पाकिस्तान में, मुझे इंडिया में। मुझे याद है कि कादियानियों के खिलाफ हर कुछ अरसे के बाद ना मुसलमानों को जोश आता था। कादियानी भी बेचारे मुसलमान ही है, मुसलमानों को जोश आता था। तो जो भी हमारे साथ लड़कियां लड़के पढ़ते थे ना कादियानियों के, बेचारे कई महीनों के लिए अपने घर चले जाते थे कि उनको पता था कि किसी ने पकड़ लिया तो कोई जान से मार देगा। तो इट्स द सेम थिंग। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मुसलमान भाइयों को इंडिया में ना मारें, तो आप पहले आप खुद एग्जाम्पल सेट करें ना। आप अपने कादियानियों को ना मारें, आप अपने क्रिश्चियंस को ना जलाएं। ये पिछले दिनों क्रिश्चियंस पे क्या इन्होंने अटैक किया था, तो इट्स जस्ट पहले खुद से एग्जाम्पल सेट करें ना, ये मैं कहती हूँ। दूसरे को तो बंदा बाद में ठीक करे, पहले अपने आप को ठीक करे, पहले आप लोगों को अच्छा ट्रीट करें, फिर आप देखें। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आप क्या समझते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं आजकल, तालिबान को फंड कर रहा है इंडिया, डू यू थिंक दैट्स ट्रू? नो नो, मेरे मैं तो इसको बिल्कुल ट्रू नहीं समझता हूँ डॉक्टर शाजिया। ये सिर्फ अपने आप को ये जिम्मेदारी हटाने वाली बात है। हम लोग हमेशा अपनी गलतियों को कबूल करने की बजाय हमेशा इंडिया और अमेरिका और इसराइल को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, ताकि ये कि वो पब्लिक को ब्रेन वॉश करते रहें और अपनी कोई इम्प्रूवमेंट ना करें और दूसरों को जो है वो इल्जाम ठहराते रहें। मेरी नज़र में इसमें हाँ यकीनन इंडिया के जो जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान के साथ उनके कभी भी मैच नहीं करता। तो यकीनन उनके बलोचिस्तान में और अफगानिस्तान के रेफरेंस से कुछ सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये तालिबान के जो ये एक मूवमेंट चल रही है इसमें इंडिया का हाथ कम है, और इनका अपनी आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है ये इनको खुद ही डील करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये देखो ना पैसे तो कहीं से तालिबान को मिल रहे हैं ना हथियार बनाने के लिए, तो ये पैसे इनके पास कहाँ से आ रहे हैं? ये सऊदी अरेबिया फंड कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरब कंट्रीज फंड कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये पेट्रो डॉलर्स ही हैं जो अपने इनको वहावी आइड के सारे जो इमाम हैं भाग भाग के ये लोग सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उनसे फंडिंग हो रही है। सो देर इज ऑफ कोर्स आई डोंट हैव पर्सनल प्रूफ, लेकिन ये कि इट इज कॉमन सेंस टू थिंक दैट ये वहीं से सपोर्ट इनको आ रहा है। इट्स वेरी वेरी सैड। तो बॉटम लाइन जो मतलब आई केम टू दिस कंक्लूजन कि दैट्स ट्रू, कि हो सकता है कि इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंडिया के मुसलमानों को नहीं मिलती जैसे उनके हिंदुओं को मिलती हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। हमारा अपना छोटा सा मुल्क है, हमसे वही नहीं संभलता, हमसे अपने क्रिश्चियन नहीं संभलते, हमसे अपने हिंदू नहीं, हिंदू तो बेचारे चले ही गए सारे, तो जो थोड़े बहुत बचे हैं वो हमसे नहीं संभलते। अपने कादियानी शिया और सुन्नी जो हैं वो आपस में लड़ते हैं, तो हम पहले इनको फिक्स करें, फिर हम लोगों को फिक्र होनी चाहिए कि इंडिया के मुसलमान क्या करें। इट्स नॉट दैट वी डोंट लव यू गाइस, आई मीन ऑफ कोर्स वी केयर अबाउट यू, लेकिन आई थिंक जो भी डिमांड आप लोगों की होनी चाहिए वो आपकी इंडिया की गवर्नमेंट से होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल आप लोगों को पहले ही पता है हमें ज्यादा मुसीबत पड़ी हुई है पाकिस्तान में, कि हम लोगों ने आपको बचाना है, जैसे हमने कश्मीर को नहीं बचाना। कश्मीर के बारे में